कोटवाधाम में महंगाई को लेकर बीजेपी पर बरसे सपा नेता राकेश कुमार वर्मा। सिरौली गौशपुर बाराबंकी देश की आवाम महंगाई बेरोजगारी से कराह रही है। हमारे देश के संविधान से भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बात प्रदेश के पूर्व कारागार मंत्री राकेश कुमार वर्मा ने श्री कोटवाधाम चौराहे पर पाशी उत्थान समिति के जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार रावत नन्हा द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्तन पे कहा और वीरांगना उदा देवी के चित्र पर माल्यार्पण कर और भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण के पश्चात उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब ने भारत के संविधान में सभी जाति धर्मों को सम्मान देते हुए कानून में सभी को समानता का अधिकार दिया। भाजपा और RSS के लोग देश में हिटलर शाही लाने का संविधान में छेड़छाड़ का प्रयास कर रहे हैं, जिसे देश की आम कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ब्लॉक प्रमुख रेणु वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत हम सभी को अधिकार मिले हैं। ऐसे संविधान शिल्पी के दिवस पर शत नमन करती हूँ और उपस्थित समूह से अपील किया कि 22 मई समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। इस मौके पर सलमान सिद्दीकी, आनंद कौशल, मुबीन प्रधान आदि लोग मौजूद रहे। बाराबंकी ब्यूरो चीफ बबलू की रिपोर्ट। किसानों से भी उनका हक छीन लेना चाहते हैं। कानून जो इन्होंने बनाए उसमें किसान अपनी जमीन खो देता है और अपनी जमीन का मालिक नहीं रहता, अपने खेत के मालिक नहीं रहता। जब करने का मौका दिया समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं और इन सभी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज ये बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं और आने वाले चुनाव में भी ये ऐसे ही जोर से काम करें और सभी बूथों पे समाजवादी पार्टी को जिताएं। आज हमें जो वोट का अधिकार मिला है वो बाबा साहब अम्बेडकर।